दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है, कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर अंशिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अंशिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको अंशिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि अंशिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें अंशिका मोटवानी की, तो अंशिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने
के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंस का मूड गवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नजदीकी सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी।
इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागू के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एमजे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है, एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ति को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागू के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एमजे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है, एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को
एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांश KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है
हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी। तो इस मूवी को देखिएगा जरूर, यह मूवी अभी आपको नजदीकी सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं, छायाकांत केएल शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेटरियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी। तो इस मूवी को देखिएगा जरूर, यह मूवी अभी आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं, छायाकांत केएल शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और
यागु के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास, याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है, एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणन और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और तियागो के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास, याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है, एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाह
फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृतिदास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की,
और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांश केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, एमजे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांश केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, एमजे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से
एक स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेटरियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है।
वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंस का मूड गवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेटरियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ति को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है।
दोस्तों आज के वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेहान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेहान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी
भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जीनी जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांच कार्य है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांच कार्य है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म
ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसका मुठगवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागु के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मुठगवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है।
दोस्तों आज के वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है, कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर अंशिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अंशिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको अंशिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागू के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि अंशिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें अंशिका मोटवानी की, तो अंशिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको अंशिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है, कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर अंशिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अंशिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको अंशिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागू के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी
भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांश KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म
ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसका मुटगवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मुटगवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है।
दोस्तों आज के वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर अंशिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अंशिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको अंशिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागु के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि अंशिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें अंशिका मोटवानी की, तो अंशिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको अंशिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज के वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर अंशिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अंशिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको अंशिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागु के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी
भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणन, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांश KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृतिदास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म
ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंस का मूड गवानी है जैसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांश KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जैसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है।
दोस्तों आज के वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है, कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर अंशिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अंशिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको अंशिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि अंशिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें अंशिका मोटवानी की, तो अंशिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको अंशिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है, कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर अंशिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अंशिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको अंशिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी
भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय, मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेटरियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय, मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब तक फिल्म
ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसका मूड गवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है।
दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांश केएल शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, एमजे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जैसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांश केएल शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेयान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, एमजे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी
भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जीनी जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब तक फिल्म
ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंस का मूड गवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागू के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ति को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 out of 5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है।
दोस्तों आज के वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागू के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेहान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जैसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागू के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट रेहान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी
भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जीनी जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांच कार्य है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है, तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवणम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और तियागो के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेटरियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक विनोद देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवणन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है। ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांच कार्य है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म
ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसका मुठगवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है हंसिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर हंसिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम, और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में हंसिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत KL शक्तिवेल, और संपादित किया है इस मूवी को M त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको हंसिका मोटवानी देखने को मिलती है, और सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में, और यागु के रूप में श्रीमान, और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रदीप बेनेटरियान देखने को मिलते हैं, और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, MJ श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षित फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि हंसिका मोटवानी है, जो भी कहते हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है, और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें हंसिका मोटवानी की, तो हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नज़र आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको हंसिका मुठगवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है।
दोस्तों आज के वीडियो में एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों गार्जियन, जो कि 2024 में आई है, जिसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती है अंशिका मोटवानी। तो यह मूवी कैसी है, मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही मूवी कैसी है और कहाँ पर देखने को मिलती है, सारी बातें करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों गार्जियन 2024 की एक तमिल भाषा की हॉरर टाइप की मूवी है। यदि आपको हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद है या फिर अंशिका मोटवानी की मूवी देखना पसंद है तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं गुरु सरवनम और उत्पादित किया है विजय चंद्र ने। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अंशिका मोटवानी, सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान देखने को मिलते हैं। छायाकांत केएल शक्तिवेल और संपादित किया है इस मूवी को एम त्यागराजन ने, और यह 8 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कास्टिंग बात करें तो अपर्णा के रूप में आपको अंशिका मोटवानी देखने को मिलती हैं, सुरेश चंद्र मेनन गौतम के रूप में और यागू के रूप में श्रीमान और बेबी कृति दास याजीन के रूप में राजेंद्रन देखने को मिलते हैं, साथ ही प्रदीप बेनेट्रियान देखने को मिलते हैं और टाइगर गार्डन थंगादुरई देखने को मिलते हैं, अभिषेक मनु देखने को मिलते हैं, एम जे श्रीराम देखने को मिलते हैं। रिव्यू की बात करें दोस्तों, सिनेमा एक्सपर्ट ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा कि अनेक हॉरर फिल्म की तरह यह गार्जियन भी भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित है। एक जानी पहचानी एक कहानी के साथ भी निर्माता अभी भी केंद्रित कहानी के साथ एक आकर्षक फिल्म बना सकते थे, लेकिन ये वैसे ही मूवी है जैसे कि सभी होती है। और गुरु सरवनन की गार्जियन में अपर्णा, जो कि अंशिका मोटवानी है, जो भी कहती हैं अच्छा बुरा और बदसूरत होता है, उसे पता चलता है कि कुछ समय से उसके साथ कुछ अपकृतित हो रहा है और वह इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ विचित्र क्यों हो रहा है, ये मूवी में देखने को मिलता है। गार्जियन दोस्तों मूल रूप से कथानक एक रोमांचकारी है इस मूवी का, और लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनट में हम उस रोमांच को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभिनय मंचन और पाठकथा एक दूसरे से साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म दिखाने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में भूत की शक्ल को लेकर मेकर ज़्यादा क्रिएटिव हो गए और फिल्म चाहती है कि हम एक भूत से डरें जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खरोंच जैसे निशानों से भरा हुआ है, और हम ये दृश्य देखकर चौंक भी जाते हैं। साथ ही बात करें अंशिका मोटवानी की, तो अंशिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। वे हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब तक फिल्म ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उनका अभिनय हर जगह नजर आने लगता है। राजेंद्र को कॉमेडी की ट्रेक शायद इस बेस्वाद फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और साथ ही अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा पीड़ादायक बना सकते हैं। गार्जियन में सिर्फ एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक सीन में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी हाल की फिल्मों में ऐसे कई सीन हैं जो इसी बात का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म मेकर्स सिर्फ जागने के लिए ही जगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है। यदि आपको अंशिका मोटवानी है जिसे मैंने बताया, या फिर आपको देखना पसंद है हॉरर टाइप की मूवी, तो यह एक सिंपल हॉरर टाइप की मूवी देखने को आपको मिल जाएगी, तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। यह मूवी अभी आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb से इस मूवी को रेटिंग मिली है 10/5.9 की, और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को रेट किया है 84% की लाइक दी है।